नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, अपने चैनल का नाम है रजनेश कुमार रजनेश राठी। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस क्रम में मैं मई महीने के दो वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूँ। एक तो जो रक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड है, जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज यानी युद्धाभ्यास जितने भी हुए हैं मई महीने में, उन सभी को मैंने कवर किया है एक ही वीडियो में। और फ्रेंड्स, दूसरा वीडियो जो नई अपॉइंटमेंट्स नई नियुक्तियां मई महीने में मई 2018 में हुई हैं उनके बारे में है। और फ्रेंड्स, ये तीसरा वीडियो, ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं मई महीने में, टॉप 10 अवार्ड्स जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनको टॉप 10 वन लाइनर्स में मैंने कवर किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में अप्रैल महीने में भी जो भी अवार्ड दिए गए हैं सभी डिटेल से मैंने डिस्कस किए हैं। मेन अवार्ड जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स और सरस्वती सम्मान और सभी अवार्ड्स को मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। आखिर में आप सभी फ्रेंड्स के नाम शामिल हैं, सभी फ्रेंड्स जिन्होंने पिछले वीडियो में जितने भी दोस्तों ने सही जवाब दिए हैं उन सभी के नाम मैंने वीडियो के आखिर में शामिल किए हैं। और फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन आपके लिए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगले वीडियो में अपने नाम शामिल करवाने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यह मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2018 किसने जीता है, मई महीने में दिया गया है। और फ्रेंड्स, पिछले कई सालों से ये कंपटीशन अब एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन सभी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। इनका नाम है ओल्गा टोकर जुक, अटपटा सा नाम है ओल्गा टोकर्क जुक, ये नाम है इनका। और पिछले 50 सालों में ये पोलैंड की हैं, पोलैंड की पहली लेखिका हैं। और 50 सालों में पोलैंड की ओर से ये अवार्ड पाने वाली पहली लेखिका हैं। और इनके उपन्यास का नाम है फ्लाइट्स उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड मिला गया है, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। एक और बुकर अवार्ड होता है जो सितंबर में घोषित किया जाता है। ये दोनों बुकर अवार्ड इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हर साल नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, सितंबर में घोषित कर दिए जाते हैं और 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं। लेकिन इस बार एक कैटेगरी में ये अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। स्वीडिश अकेडमी ने यह फैसला लिया है कि हम इस बार साहित्य का नोबेल अवार्ड नहीं देंगे। 2018 का साहित्य का नोबेल अवार्ड नहीं देंगे, लिटरेचर का नहीं दिया जाएगा, जो कि अगले साल दिया जाएगा। 2019 में जो अवार्ड घोषित किया जाएगा तब 2019 का भी दे देंगे और 2018 का भी, दोनों सालों का एक साथ दे देंगे, लेकिन इस बार वो नहीं देंगे। और उसका कारण भी स्वीडिश अकेडमी पर जो आँच आई थी यौन उत्पीड़न के मामलों के कारण, इस कारण इन्होंने फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम है इस साल, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का पहला पुरस्कार रेल मंत्रालय ने दिया है, ये किसको दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन का अवार्ड महाराष्ट्र के दो रेलवे स्टेशन हैं इनको संयुक्त रूप से मिला है। एक तो चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है, एक बल्लारसा रेलवे स्टेशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों को मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन का पहला पुरस्कार मिला है। और इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर दूसरा पुरस्कार मिला है मधुबनी रेलवे स्टेशन, और मधुबनी तो फेवरेट जगह है, मधुबनी चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में, ये है बिहार का, ये सेकेंड पोजिशन पर रहा है। और फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक अभी घोषणा हुई है, सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है कानपुर का रेलवे स्टेशन। अभी कल या आज में कानपुर के रेलवे स्टेशन को सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छे वाले रेलवे स्टेशन है, तो इनके साथ मैंने आपको गंदे वाला भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है। नेमार है ब्राज़ील का, लेकिन इसको फ्रांस का क्यों घोषित किया गया, फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ज़्यादातर यूरोप में लीग्स चलती रहती हैं, उन्हीं के आधार पर
ज़्यादा इनको नेमार को घोषित किया गया है। इनका क्लब है पेरिस सेंट जर्मन क्लब के फुटबॉलर हैं ये नेमार। सबसे ज़्यादा कीमत दे के इनको खरीदा था इन्होंने। इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। फ्रांस में फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये नेमार, ब्राज़ील के। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी यूरोपियन क्लब फुटबॉल है उसी से रिलेटेड है। और पिछला तो फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, लेकिन इनको यूरोप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है फुटबॉल में लगातार दूसरी बार और कुल पाँचवीं बार। यूरोपियन गोल्डन शू का अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को ये अवार्ड गोल्डन शू का, यूरोपियन गोल्डन शू का अवार्ड दिया गया है, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए लियोनेल मेसी खेलते हैं। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं और नेमार के बारे में बताया था, वो ब्राज़ील के हैं, यानी दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं और यूरोप में अवार्ड्स जीत रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो कान फिल्म फेस्टिवल पूरे दुनिया में चर्चित रहता है, ये इंडिया में भी बहुत चर्चित रहता है कान फिल्म फेस्टिवल, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, इस अवार्ड को नाम देते हैं पाम डी ओर। पाम डी ओर अवार्ड किसको मिला है? शॉप लिफ्टर को। शॉप लिफ्टर्स ये मूवी का नाम है, जापानी मूवी है ये, और इस मूवी को ये पाम डी ओर अवार्ड कान फिल्म फेस्टिवल में मिला है। ये एक पारिवारिक फिल्म है, इसके बारे में बता देता हूँ, शॉप लिफ्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत यूरोप के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने हेतु किन्हें सम्मानित किया गया है? और किसने सम्मानित किया है? यूरोपियन यूनियन ने एक बॉलीवुड एक्टर को सम्मानित किया है इसके लिए, अमिताभ बच्चन को यूरोपियन यूनियन ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है सवरमौली अवार्ड। ये सवरमौली का खिताब से सम्मानित की गई हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को ये खिताब दिया गया। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इस वीडियो में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला तो यही है कि आरपीएफ की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, रेलवे के बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो आरपीएफ की आपको फुल फॉर्म लिख के बतानी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट्स में। और नौवा क्वेश्चन देखते हैं। मई महीने के अवार्ड्स का टॉपिक चल रहा है अपने, मई महीने के टॉप 10 अवार्ड्स को मैंने कवर किया है, और उसके बाद अप्रैल के अवार्ड्स भी मैं बताऊंगा और फिर आपके नाम शामिल करूंगा। तो ये है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के कांस्टेबल जिन्हें बहादुरी के लिए रेल मंत्री पदक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, तो आप भी कांस्टेबल बनने जा रहे हैं रेलवे में, वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो ये मिला है श्री शिवाजी को ये अवार्ड बहादुरी के लिए रेल मंत्री पदक दिया गया है, और ये काफ़ी चर्चा में हो गए हैं। तो रेलवे की वैकेंसियों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे अपने जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे हैं रेलवे ने, और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करते हैं, कम ही करते हैं, लेकिन रेलवे पूछता है। अगला क्वेश्चन, 11वें KISS मानवतावादी पुरस्कार 2018 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये मोहम्मद यूनिस को सम्मानित किया गया है, और मोहम्मद यूनिस काफ़ी चर्चित रहे हैं पीछे भी, ये ग्रामीण बैंकिंग को शुरू करने का इनको श्रेय जाता है। ग्रामीण बैंकिंग के लिए इनको नोबल अवार्ड भी मिल चुका है, और ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाम को आप ज़रूर याद रखें, स्टैटिक जीके में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इनका नाम, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन 11 का देख लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ये मई के करंट अफेयर्स का अवार्ड्स दिए गए हैं, उनका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस खेल के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है, उसके लिए अभी से नामांकन भेज दिए जाते हैं, जैसे भारतीय एथलेटिक्स संघ ने भेजा है। और ये नीरज चोपड़ा का खेल है, हरियाणा के हैं ये, भाला फेंक जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और इनका अर्जुन अवार्ड के लिए भी नाम भेज दिया गया है, यानी एक अवार्ड तो इनको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा का ध्यान रखें, इनके खेल का आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं।
अब फ्रेंड्स, मई महीने में जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक अवार्ड्स हैं जो घोषित तो हुए अप्रैल महीने में, लेकिन दिए गए मई महीने में दिए गए, यानी दोनों महीने चर्चा में रहे, उनको भी कवर करते हैं और अप्रैल के एक दो एक्स्ट्रा अवार्ड जो भी दिए गए हैं उनको भी इजी वे में कवर करते हैं। तो अवार्ड से रिलेटेड फ्रेंड्स ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, तो इस इजी टॉपिक है ये, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं अप्रैल के अवार्ड्स का। ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड ये 2018 में किन्हें मिला है? शेख हसीना को मिला है। शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जिन्होंने हाल फिलहाल में बांग्लादेश में आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये अवार्ड अप्रैल में घोषित हुआ दादा साहब फाल्के के पुरस्कार और मई में दिया गया। ये सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। आपसे ये पूछा जाए कि सिनेमा जगत का भारत में कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया 13 अप्रैल 2018 को। और किन्हें दिए जाने की घोषणा हुई थी अप्रैल में, इनकी मई में दिया गया, 3 मई को दिया जाता है। ये दिया गया विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया ये। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं और भी फैक्ट्स। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे पृथ्वीराज कपूर 1971 में। 1971 यानी इसके शुरू होने के एक दो साल के अंदर अंदर ही इनको दे दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। और दूसरे व्यक्ति कौन है, और उनके बाद इतने टाइम के बाद 1971 के बाद अभी 2017 के लिए 2018 में ही दिया गया है ये विनोद खन्ना को, मरणोपरांत दूसरे हैं ये, तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक। और फ्रेंड्स ये सबसे पहले दिया गया था, आपके लिए क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, सबसे पहले दिया गया था देविका रानी रोरिक को दिया गया था, जो कि एक महिला है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो इसका होगा देविका रानी रोरिक का आंसर होगा। और पहले कोई भी यानी पहले व्यक्ति जिन्हें ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो देविका रानी ही होगी। और फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ये है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस साल हुई? आज का दूसरा क्वेश्चन आपसे यही है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया। ये गुंडीराज गोविंद फाल्के, जो भारतीय सिनेमा जगत के पितामह हैं, उनके नाम पर दिया जाता है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, पिछला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 के साल के लिए 2017 में दिया गया था, तो ये किन को दिया गया? ये दिया गया था के विश्वनाथ को। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, के विश्वनाथ को ये दिया गया था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पिछले साल कई एग्जाम्स में पूछा गया था, तो विनोद खन्ना का नाम भी आपके काफ़ी एग्जाम्स में इस साल भी पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखें आप और क्वेश्चन का आंसर। अगला इम्पोर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये 27वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती अवार्ड घोषित किया गया है ये अभी अप्रैल में घोषित किया गया है। ये जुलाई अगस्त में दिया जाएगा, दोनों बार चर्चा में रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सितांशु यश चंद्र को दिया गया है। और अगले क्वेश्चन इन्हीं के बारे में डिटेल से मैं बता रहा हूँ। सितांशु यश चंद्र को किस भाषा के कवि हैं? ये हैं गुजराती भाषा। और इनको किस रचना के लिए मिला है ये अवार्ड? ये सितांशु को अपने किस कविता संग्रह यानी किस रचना के लिए सरस्वती सम्मान मिलेगा? ये है वाखर रचना है गुजराती भाषा की, इसके लिए ये अवार्ड मिलेगा, जो कि 2009 में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स ये सरस्वती सम्मान के लिए एलिजिबिलिटी है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर अंदर प्रकाशित होनी चाहिए रचना वो, तो ये 10 वर्ष के अंदर ही आ जाती है, 2009 में प्रकाशित हुई थी, इसी को सेलेक्ट किया गया। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत किस साल हुई? ये पहली बार 1991 में दिया गया था। और ये कौन सी संस्था है जो ये सरस्वती सम्मान देती है? सरस्वती सम्मान देती है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है हर साल। और फ्रेंड्स ये सरस्वती अवार्ड की सम्मान की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता है कि
कि कोई भी भारतीय भाषा हो उसमें प्रकाशित पिछले 10 वर्षों में साहित्यिक कृति को ये अवार्ड सरस्वती सम्मान दिया जाता है। जिस तरह पिछली बार दिया गया था कोंकणी भाषा के महाबलेश्वर सैल को, कोंकणी भाषा के महाबलेश्वर सैल को दिया गया था उनके उपन्यास हावथन के लिए, हावथन उनका उपन्यास है उसके लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको एक नाम का एक ट्रिक जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पता लग रहा होगा कि महाबलेश्वर सैल यानी ये अवार्ड हमेशा बड़े नाम वाले को दिया जाता है। सितांशु यशस चंद्र कितना बड़ा नाम है और महाबलेश्वर सैल। तो फ्रेंड्स और एक और व्यास सम्मान वो भी इसके साथ साथ ही घोषित होता है दिया जाता है यानी ये जुलाई अगस्त में दिया जाएगा, इसके साथ ही दिया जाएगा। वो उसका नाम भी छोटा है व्यास और छोटे नाम वाले को दिया जाता है। ये फैक्ट्स मैं फ्रेंड्स कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ इसको। और फ्रेंड्स ये अगला जो क्वेश्चन है ये भी घोषित तो अप्रैल में हुआ लेकिन दिया ये मई में गया, मई में वही तारीख है 3 मई की, उसी तारीख को ये दिया गया है। और फ्रेंड्स चलिए इस और फ्रेंड्स मैंने आपसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूँ, मैं 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है आखिर में आपके लिए। एक तो आरपीएफ की फुल फॉर्म पूछी है आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, और एक अदा 10 अफाल के अवार्ड किस साल शुरू हुआ था, किस साल पहली बार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, अवार्ड का नाम है गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये कौन सी संस्था देती है, यूनेस्को यानी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ये, द्वारा किन्हें दिया गया और पिछले सालों ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है प्रेस फ्रीडम अवार्ड के बारे में। ये मोहम्मद अबू जैद मिस्र के हैं, मोहम्मद अबू जैद फिलहाल जेल में है, ये 2013 से अब तक जेल में बंद है ये मोहम्मद अबू जैद मिस्र के, इनको अवार्ड ये मिला है। और ये 23 अप्रैल 2018 को घोषित हो गया था ये गुइलेर्मो कार्नो यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी इसको बोल सकते हैं। घोषित होने के बाद यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किस दिन दिया जाता है, हर साल 3 मई को दिया जाता है। और 3 मई को क्यों चुना जाता है, क्या खास दिन होता है इस दिन को, इसी बारे में अगला क्वेश्चन है। 3 मई को कौन सा दिवस होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसी कारण इस दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 3 मई के ही डेट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2018 ये सुरेश प्रभु ने जी ने दिया है जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ने किसे दिया है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, ये संस्था है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR को ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार हाल फिलहाल में अप्रैल में दिया गया है। फ्रेंड्स ये नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन बीच में छूट गया था ये पेज, इसको कर लेते हैं। फिल्मकार शेखर कपूर की अध्यक्षता में घोषित 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में ये क्वेश्चन, सभी 4-5 वैसे तो काफ़ी कैटेगरीज में दिए गए हैं, 20-30 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, लेकिन मैंने आपके लिए 5-6 इम्पोर्टेंट जो बार बार पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हैं उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, शेखर कपूर, तो ये भी चर्चा में हो गए थे जब इनको इन अवार्ड्स के लिए अध्यक्ष चुना गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट है आपके लिए। और ये कौन से क्रम के हैं ये भी पूछा जा सकता है, आप पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ये 65वां क्रम था, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे ये। और इनमें मेन मेन कैटेगरीज देख लेते हैं हम, बेस्ट फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये विलेज रॉक स्टार्स मूवी है असमिया की, असमिया मूवी है विलेज रॉक स्टार्स बेस्ट फिल्म, सबसे टॉप का अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ये। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म यानी बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बाहुबली टू द कंक्लूजन, आप सभी ने बार बार इस फिल्म को देख के पॉपुलर बनाया है इसलिए इसको पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है लोकप्रिय फिल्म का। अगला क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये है दाप्पा, दाप्पा फिल्म का नाम है मराठी भाषा की, इसको मिला है ये। अगला है बेस्ट एक्टर्स कौन बनी है, श्रीदेवी हिंदी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं ये मोम फिल्म के लिए,
तो फ्रेंड्स ये नॉर्थ इंडिया में जितने भी हिंदी भाषी राज्यों में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स का अवार्ड श्रीदेवी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड एन न्यूटन को मिला है और बेस्ट सिंगर का अवार्ड बेस्ट सिंगर सर्वश्रेष्ठ गायक के जे येसुदास। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया है कि इनको बार बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना रखा है इन्होंने अवार्ड्स जीतने का फिल्मों के क्षेत्र में के जे येसुदास ने जो कि गायक हैं साउथ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति अवार्ड 2018 ये किन को मिला है? तो फ्रेंड्स मास्टर दीनानाथ के बारे में बता देता हूँ, ये हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले जो भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिकाएँ रही हैं उनके पिताजी हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, तो इनकी स्मृति में अवार्ड दिया जाता है। तो ये मिला है उस्ताद अमजद अली खान को जो कि सितार वादक हैं। तो फ्रेंड्स ये नाम आपको ध्यान रहना चाहिए उस्ताद अमजद अली खान, और किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं ये सितार से, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और मास्टर दीनानाथ तीन कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। इनकी पुत्री हैं, इनको मिला है आशा भोसले, लता मंगेशकर की बहन है आशा भोसले को मिला है। और इसी कैटेगरी में तीसरा अवार्ड है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष अवार्ड, ये अनुपम खेर को दिया गया है। तो तीन अवार्ड दिए गए हैं मास्टर दीनानाथ के नाम से अप्रैल महीने में। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ सेना अस्पताल को रक्षा मंत्री ट्रॉफी मिली है इस हॉस्पिटल को, सर्वश्रेष्ठ आर्मी हॉस्पिटल की, ये कमान हॉस्पिटल पश्चिमी कमान का, पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा में। इस हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल की ट्रॉफी मिली है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं और इसी महीने घोषित किए गए हैं अप्रैल महीने में, अप्रैल 2018 में। किन किन क्षेत्रों में देते हैं ये दिया जाता है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेन तो यही है इसकी कैटेगरी, और ड्रामा और म्यूजिक में भी ये दिया जाता है। तो आपसे पूछे कि और भी कोई कैटेगरियाँ हैं, तो ड्रामा और म्यूजिक की भी कैटेगरियाँ हैं। और फ्रेंड्स आज का तीसरा क्वेश्चन आपसे यही है कि पुलित्जर पुरस्कार किस साल शुरू हुआ था, और इसके बारे में हिंट दे देता हूँ आपको एक अच्छा सा कि रूस की क्रांति भी इसी साल हुई थी, तो पुलित्जर पुरस्कार भी इसी साल शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें पहला क्वेश्चन था कि मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट, रिंगिट है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्राओं में, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई एग्जाम्स में रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एक नाम तो मैंने बता दिया था सर एडमंड डे लेरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं लेकिन जो इंडिया के हैं उनके साथ ही चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को, उनका नाम आपको बताना था, तो वो हैं शेरपा तेंजिंग नोरके, इनका नाम है जो कि भारतीय है, भारत में दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं ये वेस्ट बंगाल। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मेरे दूसरे चैनल पर सबसे पहले जवाब तो आदिल हुसैन ने ही दिया है, आदिल हुसैन है, उसके बाद कुलविंदर कुमार के मैसेज हैं, सिर्फ दूसरे चैनल पर तीन ही कमेंट्स आए, और पिछले वीडियो के भी मैं दूसरे चैनल पर शामिल नहीं कर पाया था, तो संजय यादव या राकेश यादव मेहरूबानाज और निशा कुमारी ने जवाब दिए हैं, और अभिषेक कुमार सिंह भी हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल पर सबसे पहले कमेंट आया सचिन जांगड़ा का, और सबसे पहले सही जवाब विपिन कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, उसके बाद हैं विवेक गुप्ता हैं सही जवाब के साथ, उसके बाद विपिन कुमार, फिर मुल्लो कुमार, फिर हैं राजदीप कुमार साहब, फिर हैं रेखा राजपूत, फिर हैं मुल्लो कुमार, फिर जगदीश कुमार ने के लगातार मैसेज मिल रहे हैं इनके भी। और अगले देखते हैं, ये हैं न्यू सॉन्ग्स व्हाट्सअप स्टेटस वीडियोज, फिर हैं मनस पॉल हैं, उसके बाद रश्मि सेंगर हैं, उसके बाद हैं बिट्टू बिहारी सुमन, उसके बाद बिट्टू का ही मैसेज है, और फिर हैं न्यू सॉन्ग्स इनका दोबारा मैसेज है, फिर हैं अशोक कुमार के मैसेज हैं दोनों अगले, और फिर हैं सागर कुशवाहा। तो मलेशिया की मुद्रा फ्रेंड है रिंगिट, और
दूसरा जो क्वेश्चन शेरपा तेंजिंग नोरके के बारे में मैंने आपसे पूछा था, और अगले हैं श्याम बहादुर वर्मा, उसके बाद हैं राज मेघवाल का मैसेज है, फिर है सूरज भारतीय, उसके बाद दारा सिंह मैदा इनका मैसेज है, उसके बाद संदीप बोरकर, फिर हैं पाठक जी, फिर हैं दोमेश साहू, और उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स किन फ्रेंड्स का मैसेज है, ये हैं रेबेल, फिर हैं SCO, फिर हैं प्रभास, फिर हैं बीरबल सोनक, पुराने व्यूअर हैं काफ़ी बीरबल सोनक जी, और उसके बाद हैं बंटी मीणा, फिर हैं दीपक चौधरी, फिर हैं राजेश कुशवाहा, फिर हैं निशा कुमारी, फिर हैं सुरेश यादव, और उसके बाद देखते हैं ये हैं राजेश कुशवाहा, पवन कुमार, बबीता राणी, अंजनी कुशवाहा, संजय यादव, आशुतोष सैनी का मैसेज है, आशुतोष सैनी, फिर हैं महरूबा नाज का मैसेज है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप।